नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्ण देव कंबोज का बड़ा बयान। हरियाणा में SYL पानी को लेकर के अकाली दल का स्टैंड बना, गठबंधन में बाधा। अकाली दल हरियाणा को SYL पानी देने के हक में नहीं था। भाजपा ने अकाली दल को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का नहीं दिया था कोई आश्वासन। अकाली दल से हरियाणा में गठबंधन किया नहीं तो फिर निभाते गठबंधन का धर्म कैसे? जब अकाली दल से गठबंधन नहीं तो धोखा कैसा? वहीं राव इंदरजीत द्वारा अपनी बेटी के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने पर मंत्री कंबोज ने कसा तंज। किसी भी व्यक्ति का दबाव बनाना केंद्र सहन नहीं करेगा। वहीं मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इंद्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। पलपल शीर्षक से अमर सिंह जाणी की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने अकाली दल बादल पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अकाली दल हरियाणा में SYL का पानी देने के हक में नहीं था, इसलिए हरियाणा में अकाली दल से गठबंधन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अकाल दल हमेशा से ही हरियाणा में और उसके हक में विरोध करता रहा है। उन्होंने दो टूक में सुखबीर सिंह बादल से अकाली दल से धोखा देने वाली बात पर तथा उन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमने अकाली दल को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। हमने हरियाणा में अकाली दल से गठबंधन भी नहीं किया था, तो गठबंधन जैसे धर्म को निभाने की बात कहीं नहीं आती, और गठबंधन कभी हरियाणा में हुआ ही नहीं तो धोखा कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल पर तंज कसते हुए कहा कि हमने पंजाब में अकाली दल का सहयोग कर चुनाव जितवाए हैं। आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष। हमारा गठबंधन अकाली दल से कभी भी हरियाणा में नहीं रहा है। गठबंधन का धर्म तो तब निभाते हैं अगर हमारा पहले कोई गठबंधन होता, और अब अगर हम उसको तोड़ते हैं। हमने पहले कभी कोई गठबंधन अकाली दल से नहीं किया, तो अब आगे तो हमें कोई जरूरत नहीं। पहले हमने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया था, उससे पहले हमने हाइपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तौबा कर ली कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन करेंगे तो प्रदेश की जनता से करेंगे, और प्रदेश की जनता जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन है। हम उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को अपने साथ लगाना चाहते हैं। जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अकाली दल को आश्वासन दिया था कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और विधानसभा चुनाव में उनको ऐसा कोई भी आश्वासन किसी को हमने ना दिया है, ना हम देंगे, और ना ही कोई, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक मुद्दा SYL का मुद्दा, जो पंजाब से SYL का पानी हरियाणा में आना है, उसको लेकर के अकाली दल ने विरोध किया था। हम हरियाणा की जनता के हितों को कभी भी जो है ना प्रभावित नहीं होने देंगे, इसलिए हम जो है ना, इसलिए भी हम अकाली दल से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस नहर खुद का जो है ना विरोध कर रहे हैं। आप फिर बादल का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले धोखा किया उनसे। हमने जब कोई गठबंधन किया नहीं तो धोखा किस बात का? अगर हम गठबंधन करते और उनको मना करते, हमने तो उल्टा, और सुखबीर बादल अकाली दल को जो है ना पंजाब में सपोर्ट करके उनको जो है ना वहाँ से जितवाने का काम किया। बिल्कुल, अब की बार जो है ना, हमने लोकसभा में भी, आपने देखा लोकसभा में भी दोनों सीटें वो सोनीपत और रोहतक दोनों हारे हैं, और निश्चित रूप में अब की बार विधानसभा भी हारेंगे। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार 75 पार करने जा रही है, और प्रदेश की जनता ने अब के मन बना लिया कि जो भ्रष्ट नेता थे, जो इस प्रकार के नेता थे, उनको जो है ना बाहर का दरवाजा दिखाने का मन बना। आपने कर्णदेव कंबोज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी वही कर्णदेव कंबोज को मानेगा। आपकी इच्छा कहाँ से चुनाव लड़ने की? मेरी इच्छा होना ना होना इसके ऊपर कोई मायने नहीं रखती, वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला। पिछली बार मेरी इच्छा नहीं थी इंद्री से चुनाव लड़ने की, लेकिन जबरदस्ती मेरे को लड़वा दिया, मैंने लड़ना पड़ा। संगठन की बात को ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टी निर्णय लेगी, मेरी इच्छा तो इंद्री से ही चुनाव लड़ने की है, क्योंकि इंद्री मैंने 5 साल जो काम किया है, आज वहाँ की जनता से अगर आप जाके सर्वे करेंगे, वहाँ जा करके पूछेंगे, जो लोग कहने लगे हैं कि 5 साल में जो काम हुआ है, जो 40 साल में कभी नहीं हुआ। देखिए, कौन अपने परिवार के लिए अड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए। टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अपने परिवार के लिए भी अगर कोई मांगता तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेंटर पर दबाव बनाना, वो कैसे देखते हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, ना सेंटर ने कभी दबाव किसी का जो है ना
झेला है, ना सेंटर का भी कोई दबाव झेलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है ना निष्पक्ष होकर के इस प्रकार का जो है ना निर्णय लेती है। और ये निर्णय हमारा गठबंधन अकाली दल से कभी भी हरियाणा में नहीं रहा है। गठबंधन का धर्म तो तब निभाते हैं अगर हमारा पहले कोई गठबंधन होता और अब अगर हम उसको तोड़ते हैं। हमने पहले कभी कोई गठबंधन अकाली दल से नहीं किया तो अब आगे तो हमें कोई जरूरत नहीं। पहले हमने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया था, उससे पहले हमने हविपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तौबा कर ली कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, अगर गठबंधन करेंगे तो प्रदेश की जनता से करेंगे। और प्रदेश की जनता जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन है। हम उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को अपने साथ लगाना चाहते हैं। जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अकाली दल को आश्वासन दिया था कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में उनको ऐसा कोई भी आश्वासन किसी को हमने ना दिया है, ना हम देंगे और ना ही कोई, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक मुद्दा SYL का मुद्दा, जो पंजाब से SYL का पानी हरियाणा में आना है उसको लेकर के अकाली दल ने विरोध किया था। हम हरियाणा की जनता के हितों को कभी भी जो है ना प्रभावित नहीं होने देंगे, इसलिए हम जो है ना इसलिए भी हम अकाली दल से समझौता नहीं कर सकते क्योंकि वो इस नहर खुद का जो है ना विरोध कर रहे हैं। आपने बादल का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले धोखा दिया उनसे। हमने जब कोई गठबंधन किया नहीं तो धोखा किस बात का, अगर हम गठबंधन करते और उनको मना करते। हमने तो उल्टा, और सुखबीर बादल अकाली दल को जो है ना पंजाब में सपोर्ट करके उनको जो है ना वहाँ से जितवाने का काम किया। बिल्कुल, अब की बार जो है ना हमने लोकसभा में भी, आपने देखा लोकसभा में भी दोनों सीटें वो सोनीपत और रोहतक दोनों हारे हैं और निश्चित रूप में अब की बार विधानसभा भी हारेंगे। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार 75 पार करने जा रही है और प्रदेश की जनता ने अब के मन बना लिया कि जो भ्रष्ट नेता थे, जो इस प्रकार के नेता थे, उनको जो है ना बाहर का दरवाजा दिखाने का मन बना। कर्णदेव कंबोज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी वही कर्णदेव कंबोज को मानेगा। आपकी इच्छा कहाँ से चुनाव लड़ने की? मेरी इच्छा होना ना होना इसके ऊपर कोई मायने नहीं रखती, वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला। पिछली बार मेरी इच्छा नहीं थी इंद्री से चुनाव लड़ने की, लेकिन जबरदस्ती मेरे को लड़वा दिया, मैंने लड़ना पड़ा संगठन की बात को ध्यान में रखते हुए। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, मेरी इच्छा तो इंद्री से ही चुनाव लड़ने की है क्योंकि इंद्री मैंने 5 साल जो काम किया है, आज वहाँ की जनता से अगर आप जाके सर्वे करेंगे, वहाँ जा करके पूछेंगे, जो लोग कहने लगे हैं कि 5 साल में जो काम हुए जो 40 साल में कभी नहीं हुए। देखिए कौन अपने परिवार के लिए अड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अपने परिवार के लिए भी अगर कोई मांगता तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेंटर पर दबाव बनाना वो कैसे देखते हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, ना सेंटर ने कभी दबाव किसी का जो है ना झेला है, ना सेंटर कभी कोई दबाव झेलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है ना निष्पक्ष होकर के इस प्रकार का जो है ना निर्णय लेती है और ये निर्णय भी जो है ना बिल्कुल निष्पक्ष।